आप खैरियत से होंगे और वेट कर रहे होंगे हमारे प्रोग्राम का, ये जो हमारा लाइव प्रोग्राम है ना, पाकिस्तान के पकवान। ना सिर्फ आप लोगों को इसका वेट होता है बल्कि मुझे और आमना मलिक, जो मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरे साथ मुनीरा होती हैं, हम दोनों इतने वेट कर रहे होते हैं इस प्रोग्राम का। क्यों मुनीरा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरा ख्याल है कि आमना जहाँ जहाँ पर भी 92 में पाकिस्तान की पकवान का प्रोग्राम देखा जा रहा है, उन सब चाहने वालों को आज बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि अभी आमना ने बताया कि हमको वेट होता है, वेट नहीं बल्कि शिद्दत से इंतज़ार होता है कि कब आपसे हमारी मुलाकात होगी। बेशक मुनीरा, जितना फीडबैक हमें मिल रहा होता है ना, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत वेट होता है कि वो भी वेट कर रहे होते हैं सारे अपनी टीवी स्क्रीन के आगे कि कब हमारा रोज़ जो प्रोग्राम लाइव, ऊपर से हमारा शो होता है और लाइव हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो उसका एक अपना ही मज़ा है, हमें करते हुए भी प्रोग्राम और आप लोगों को देखते हुए भी। बिल्कुल। तो मुनीरा, बातें तो चलती रहेंगी, आप ये बताएं कि आज हम क्या खाने वाले हैं? जनाब आज हम जैसे कि हमेशा की तरह आज भी डिफरेंट चीज़ आएगी, वो चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आज पाकिस्तान की बहुत याद आएगी, क्योंकि जब वो मेरी रेसिपीज़ के नाम सुनेंगे। आज हम बनाए रहेंगे फिरनी। आपको याद होगा कि जब भी आप शादियों पे हम जाते हैं, या आप तो ये ट्रेंड हो चुका हुआ है कि हम किसी भी होटल में जाएं या किसी भी हम किसी बाहर आउटसाइड खाने पे जाएं, किसी ढाबे स्टाइल में भी जाएं, तो वहाँ पे ठूठी ज़रूर होती है, यानी कि आपको पता है फिरनी क्या, तो वो आज हम बनाएंगे। उसको मैं उस तरह से डिस्प्ले करूँगी और साथ में बनाएंगे हम तवा चिकन, जो कि हमारी बहुत लाहौर की स्पेशलिटी है, और उसके साथ मिंट सॉस होगी, साथ में होगा सैलड होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिरनी से। मैं चाहती हूँ कि मीठा हमारा पकता रहे और उसके साथ ही मैं तो बन रही है, लेकिन ये जो ज़बरदस्त किस्म का हमारा व्यूवर्स तो देख रहे होंगे, तो मैंने भी अपने जो है अपने आप को कंट्रोल किया, अगर मैं गेस कर रही हूँ, लेकिन मेरा था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ और लाइव प्रोग्राम में पूछूं कि मुनीरा तवे में क्या बनने वाला है आज? तवे में वही तो बताने आया हूं ना कि आज हम तवे पे बनाएंगे तवा चिकन। देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ठीक है, और इसको हम बताएंगे कैसे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने तवे को थोड़ा सा इसलिए खूबसूरती से सजाया कि आप अगर जब घर में बनाएं तो आप इसके डिस्प्ले के ऊपर वो वेजिटेबल्स जो कि आम तौर पे रह जाती हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, ठीक है, लौकी हो गई, आलू हो गए, आप इन सबको कट करके उबाल के अपने डिस्प्ले में लगाएं, जब आप तवा चिकन सर्व करें तो साथ साथ वो भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसको हम बताएंगे। इससे पहले आमना मैं बता दूँ, इससे पहले कि मैं अपने व्यूअर्स को, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम तवा चिकन बनाएंगे साथ में फिरनी, तो मैं मीठा ज़रा स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मीठा ज़रा आराम से पकता रहेगा, उसके बाद उसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे, और इसके साथ साथ इन द मीन वेल मैं तवा चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करूँगी ताकि उसको और इन दोनों चीज़ों को, अगर पहले हम ये स्टार्ट कर देंगे तो फिर फिरनी रह जाएगी, तो फिरनी हल्की हल्की पकती रहेगी। कोई रेसिपी जो है ना बड़ी खट्टी मीठी और नमकीन और मीठी समथिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो बिल्कुल, मुनीरा ने इतने मज़े से ये इसको प्रेजेंट किया है, तो मुझे वो अंदरून हमारे जो शहर के अंदरून इलाके होते, बिल्कुल अंदरून शहरों में तो खाई जाती है वहाँ की, तो ये बहुत ही स्पेशलिटी है, लेकिन अब तो हमारे शादियों में भी ट्रेंड सेट हो चुका है कि शादियों में फिरनी हो, ये खीर हो, ये तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की ये बहुत ही फेमस किस्म की एक डिश है जो कि ईदों पर त्यौहारों पर ये मस्ट होती है, किसी भी खुशी के मौके पर। बिल्कुल, जहाँ पर बात की जाए तवा चिकन की जो आप बनाने जा रही हैं, तो अक्सर कहीं भी मूड नहीं भी होता खाने का, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी फैसिनेटिंग होती है, इतनी टेम्पटिंग होती है कि आप हमेशा रुक जाते हैं। बिल्कुल, मेरा जब भी हम जाते हैं अपने अंदरून वगैरह पाकिस्तान में कभी घूम फिर रहे हो, तो उसकी आवाज़ जो होती है ना तवा चिकन, बिल्कुल तवा चिकन हो गया या तवा की मोह हो गई या कटाकट हो गया, इन तीनों चीज़ों की आवाज़ अपनी इस तवे की वजह से ही बहुत फेमस है। और हम इंशाल्लाह ताला के अभी तवा चिकन स्टार्ट किया है, तो हम तवा की मोह भी दोबारा से बनाएंगे और कटाकट भी बनाएंगे और उनको बताएंगे इसकी आवाज़ कैसे निकलती है। बिल्कुल मुनीरा, हमें थैंक यू करना चाहिए मैं 92 न्यूज़ का, बिल्कुल, जिनकी वजह से हम यहाँ पे, और ये ज़बरदस्त सा हमें मौका मिला कि हम लाइव अपने प्रोग्राम में ये लाइव तवा चिकन अपने, बिल्कुल अच्छा जी, मैंने 1 किलो उसमें दूध लिया है और उसमें तकरीबन 250 ग्राम इसमें मैंने खोया ऐड करके इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। ओके, ठीक है, अब जैसे कि ये बकरा है इसमें मैं हल्का हल्का सा थोड़ा सा करके मैं इसमें ड्राई मिल्क भी साथ ही ऐड कर दूँगा, ठीक है, जब इसमें उबाल आएगा तब इसमें मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो हमारे पास पड़ा है राइस पाउडर, बेसिकली आमतौर पे इसको राइस पुडिंग भी कहा जाता है जो कि इसको बनाते हैं, तो लेकिन हम इसको फिरनी कहते हैं क्योंकि ये चावलों के आटे की होती है, तो इसको हम उससे बनाएंगे, साथ में चीनी पड़ी हुई है और बाकी जो उसके साथ लवाजमात हैं जैसे कि पिस्ता है, बादाम है, खोपरा है, ठीक है, साथ में इलायची है और केवड़ा बिल्कुल एंड में डालूंगी 1 ड्रॉप, ठीक है, ये अपने नाम से आमना पकेगी। मेरा इसके बारे में तो ये भी कहते हैं ना कि आपको पहले से बिफोर हैंड बना के फ्रिज में कर दे रख देनी चाहिए, बिकॉज ये जितनी मीठी हो उसका एक अपना ही, और ठंडी हो बिल्कुल, देखिए मीठा हमेशा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा
कहते हैं ना थोड़ा सा मुश्किल सा तो होता है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा एक हाथ एक आर्ट होता है कि आपने इसको किस ट्रिकी सा होता है बहुत ज़्यादा। देखिए हमेशा आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत ही कहते हैं ना कि रिवाज है कि जब लड़की की शादी होती है तो उसको कहा जाता है कि मीठा बनाया जाए। बेसिकली मीठा बनाने में उसकी उसका पेशेंस उसका बर्दाश्त देखा जाता है, क्योंकि खीर ऐसी चीज़ है या राइस ऐसी चीज़ है, जब भी कोई मीठी चीज़ बनाए उसका लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है और जिसकी वजह से उसमें स्मेल आ जाती है। तो इसलिए काइंडली ये ध्यान रखें कि आप जब भी खीर बना रहे हों या कोई मीठी चीज़ इसके अलावा बन रही हो तो आप ध्यान रखें कि चमचा एक तो हिलाते जाए और आग इसकी बिल्कुल मीडियम हो, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा बहुत स्लो हो। और जैसे मुनीर आपने ये भी बताया था कि हलवा बनाते हुए भी यही तकनीक होती है कि यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड हैव पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये अपना मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज़ ऐसी आप जब भी बना रहे हो, इवन कि जब अगर आप फ्राइंग की चीज़ भी कर रहे हैं तो आमतौर पर ये होता है कि हम फ्राई के लिए फटाफट ऑयल तेज़ कर लेते हैं, उसकी आँच भी बहुत तेज़ कर देते हैं और फिर उसको फटाफट डालते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो अगर लेट से फ्रोजन कोई चीज़ है तो उसमें पानी रह जाता है, पानी का कंटेंट, वो फिर ये होता है कि उसके ऊपर आपकी छींट आती है, हाथ जल जाते हैं। बताया था क्या बताया था मुनीरा ने कि फ्रिज में से निकाल के आपको थोड़ी देर आप उसको रूम टेम्परेचर में रखें और उसके बाद आप फ्रोजन चीज़ों को आप करें। लेकिन अगर आप खुद से बना रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन फ्राई चीज़ बनाया था, मैंने चिकन को फ्राई किया था, तो आप देख सकते थे कि उस पर बिल्कुल ना उसमें प्रॉब्लम आई ऑयल के अंदर और ना उसका क्रिस्पी सा भी था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी टिप की होती है। तो ये टिप्स और हमारी जो छोटे छोटे टोटके मुनीरा बताती हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, मेरे ख्याल से मुनीरा सब सीख ही रहे हैं बिल्कुल, और फीडबैक मैं खुद इतना सीख रही हूँ मुनीरा आपसे। अच्छा जी आमना, अब इसकी इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया ये चिकन लेंगे। ओके अच्छा, ये फिरनी तो पक रही है, अभी इसको हम पकने देंगे, जब इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें राइस पाउडर और चीनी को ऐड करके फिर इसको पकाएंगे जब तक कि गाढ़ा नहीं होगा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम प्यालियों में ऐड करके तो उसके ऊपर गार्निश करेंगे चांदी के वर्क के साथ। अच्छा दूसरा आप ये बता दूँ कि जब आप चिकन लेंगे, जैसे कि आपने तवा चिकन बनाना है तो उसकी थोड़ी सी डिमांड होती है कि आपने या उसके थाई के पीस ले लें या आप इसके ब्रेस्ट के पीस ले लें। मैंने इसके ब्रेस्ट के पीस लिए हैं, ठीक है, आप इसका देख सकते हैं ये बिल्कुल एक ऐसा इसका पीस होता है, ठीक है। आपने उसको सेंटर से यहाँ से कट खुद से करना है, जब कट करेंगे तो इसकी शेप कुछ यूं सी हो जाएगी, जैसे कहते हैं दिल शेप में, ठीक है, ऐसी शेप इसकी हो जाएगी, राइट। अच्छा अब आप ये कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैरिनेशन चिकन की हो या किसी भी बारबेक्यू की हो वो उसी टाइम नहीं होती है, ना उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। आई एम श्योर आपने पहले से इसको इसको तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है, अभी इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं, लेकिन फिर भी जो इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आपने इसमें लेमन जूस लगाना है, सॉल्ट लगाना है, थोड़ी सी मैंने क्रश चिली इसमें ऐड करके लगा दी ताकि वो इसके अंदर रच बस जाए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर एट द टाइम लगाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा जैसे आप उबला हुआ चिकन ही खा रहे हैं, आप उसको कुछ टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं ना, तो ये इसकी बड़ी एग्जैक्टली इसी तरह मुनीरा बारबेक्यू में भी ना आपको मसाला जात पहले से लगा के रखने पड़ते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो आपको पूरा फील हो, और एक बड़ा जूसी सा जब वो बनता है तो फिर वो बड़ी जूसी उसके। बिल्कुल अच्छा अब आमना इसको हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने लगा के रखा था ये लेमन जूस जैसे कि पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा और लेमन जूस जैसे थोड़ा सा ही डाल देंगे, थोड़ा सा और लेमन, ठीक है, इसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी ये सूखा धनिया डालेंगे, सूखा धनिया ये देखिए ज़रा, साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर डाल दें, थोड़ा सा इसमें डाल दें क्रश चिली और इसमें ऐड कर दें। अच्छा ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले लगाई थी लेकिन अब थोड़ी सी टॉपिंग, ये गरम मसाले का थोड़ा सामान है, इसको मैं भी थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी और फिर इसमें हम ऐड करेंगे। आप फिलहाल इसको मैं से डायरेक्टली लगा देती हूँ, ठीक है, जबरदस्त, ये हमारा तवा चिकन जो है वो रेडी होने वाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने ये ऐड कर दी चिकन के अंदर रेड चिली। अच्छा अब इसका ये कि आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर ये देखिए ज़रा इसके जो उसके आपने कट्स लगाए होंगे पूरा उसका अंदर मसाला उसके अंदर कट होकर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि तवा चिकन की एक और भी डिमांड है कि आपने जब इसको मसाला लगा देंगे, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप जस्ट इसको फ्राई कर लें, फ्राई करके आपने इसको कलर देना है मसाले के ऊपर, दोनों साइड पे कलर इसका आ जाए, ठीक है, जब इसका कलर आ जाएगा तब हम इसको योगर्ट में ऐड करके तो हम इसमें तवा चिकन में इसको बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। तो मुनीरा ये क्यूबिक फॉर्म में नहीं होगा हमारी, राइट, क्यूबिक फॉर्म में भी आमना कर सकते हैं आप, उसको बोटी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी हमारी डिमांड वो हम लोग प्रॉपर देसी वाले तरीके से, मैं तो इस टाइम सोच रही हूँ ना कि ठका ठक आवाज़ आ रही होगी, आएगी आवाज़, आप आवाज़ क्यों नहीं आएगी इसकी, इसमें आवाज़ भी इसकी आएगी मुनीरा, ये भी आप बताती चले हमारे व्यूअर्स को। इसमें मैंने राइस पाउडर ऐड किया चीनी के साथ, ओके, ठीक है,
और थोड़ा सा इसमें मैं आज सुबह से मुनीरा मेरा मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था तो ये तो बहुत जबरदस्त हो गया कि मुनीरा आज मीठा बना रही है और वो भी इतना जबरदस्त मीठा। कभी कभी बड़ा है, आपको होता है कि आपका दिल करता है कि मीठी कोई चीज खाएं आप। ये देखिए आप क्रेविंग्स होते हैं। हाँ, इसको भी थोड़ा सा ये बनता रहेगा हमने। ऐसा इसमें हमने बादाम वगैरह ऐड कर दिए। जी बिल्कुल ऐड कर दी मैंने, उसमें ओवन भी ऑन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं इसके अंदर रख दूंगी ताकि ये ग्रिल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, जब ग्रिल फॉर्म में आ जाएगा तो इसको मैंने थोड़ा सा कलर देना है, तो उसके बाद फिर मैं इसमें योगर्ट के साथ इसमें तवा चिकन फिर बनाऊंगी। और फिर आपको जो आवाज सुननी है ना ये वाली, जबरदस्त, तो वो फिर आपको आवाज भी सुनाऊंगी। आज तो बहुत मजे की हमारी सेट में खुशबू है और आवाज ही इतनी टेम्प्टिंग हो रही है और साथ मीठा भी बन रहा है जबरदस्त। मुनीरा ये देखिए इसके राइस कमाल ही हो गया। इसको बस अपने अब चमचस के हिलाते जाना है हमना। ओके, चूंकि बाकी साइड पे आप इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगी। ठीक, थोड़ा ख्याल मैं रखूंगी और मैं सीखूंगी। साथ में हम इसकी बनाएंगे मिंट सॉस। मिंट सॉस के लिए आपको चाहिए ताज़ा पुदीना चाहिए, हरा धनिया चाहिए, साथ में आप हरी इसमें मिर्च लें और उसमें थोड़ा सा मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें लहसुन का एक जवा ऐड करूंगी और साथ सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करके इसको फिर दही में मिक्स करके खाएंगे तो तवा चिकन साथ ही बहुत ज़बरदस्त एक आपका रायता सा बन जाएगा। ओके, ठीक है, आप मिर्च साथ में, हाँ साथ में हम इसकी सलाद बनाएंगे। इस पर खीरे लेंगे, टमाटर लेंगे, प्याज लेंगे, ठीक है, इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें हम ऐड करने से तो बड़ा इसका मजा आएगा। जी मुनीरा, क्यों जी मेरे हलाम काफी टाइम हो गया, ये ब्रेक ले लेनी चाहिए, छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, आप देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और मुनीरा ने इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और इस पे ऑयल मुनीरा ने लगा दिया है। बिल्कुल फ्राई कर, ग्रिल हो रहा है हमारा चिकन। बिल्कुल, और मैं चाह रही थी कि मैं दिखा देती कि इसको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी किया है वो मैं दिखा देती हूँ। या मतलब ये देख सकती हैं आमना, ये देखें, ये ओके, तो मुनीरा जो हमारा ग्रिल हो रहा है, ठीक है, इसको भी टाइम है। मुनीरा हमने कितना टाइम दिया ग्रिल करने के? अभी इसको आमना 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे। हाँ अच्छा, तो ये टाइमिंग का बड़ा हिसाब रखना जो है ना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर तो आमना काम नहीं हो सकता। अक्सर रोटियां जल जाती हैं और चावल खराब बन जाते हैं, क्यों मुनीरा? सिर्फ टाइम, अगर आपको एक्सपर्ट ना हो। अच्छा जी, अब हम इसमें हम स्टार्ट करेंगे। देखिये, जब आप इसको ग्रिल करेंगे तो आपकी कोई शक्ल इसकी बिल्कुल इस तरह से आएगी, बिल्कुल टेस्टलेस आपको लगेगा, बिल्कुल इसमें जैसे कि है ही कुछ नहीं है। मेरा अपने इसके ऊपर किसी चीज की टॉपिंग की। अब मैं इस पे दही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी लेमन जूस। लेमन जूस थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी, थोड़ी सी स्पाइसी सॉस। स्पाइसेस, बस यम्मी। ठीक है, आज तो ईद हो गई उन लोगों के लिए जिनको स्पाइसी फूड और ये बारबेक्यू के बहुत शौकीन है, बिकॉज़ आई थिंक इट्स वन फॉर्म ऑफ बारबेक्यू टू, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा वो जब ग्रिल्ड हो जाता है ना चिकन तो वो एक बड़ी इसकी डिफरेंस है, उसका टेस्ट आना स्टार्ट हो गया इसकी। ये देखिए, जबरदस्त। हम इसको देखें खीर को, ये मैं देख लूं। देखें खीर को रही है ऐसा ऐसा। हाँ ठीक हो गया ना, ये देखिए थोड़ा सा। अब हम इसको करेंगे तवा चिकन को। मुनीरा, साथ साथ मेरे ख्याल से हमने व्यूअर्स को ये भी कहे कि हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर मिल रहा होगा तो उस पर काइंडली कॉल करें, हमें अपना फीडबैक दें, हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, हमें बताएं, हाँ, आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। उसके साथ टमाटर थोड़े से मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी टॉपिंग के लिए। बहुत मुनीरा, ख़ास से आपने इसमें नट्स डाले हैं। अच्छे, हाँ जी बिल्कुल, नट्स भी डाले हैं, अभी गाढ़ा हो जाएगा, बाकी हम टॉपिंग में करेंगे। तो समझ ही नहीं आ रही इतने मजे मजे की डिशेस बन रही हैं कि मैं उसको देखूं या इसको देखूं। दोनों इतनी दोनों को देखिए आप, दोनों को देखिए, दोनों की खुशबू इतनी जबरदस्त है कि क्या ही बात। ये देखिए मेरा ओके, तो ये फ्राई हो रहा है हमारा चिकन। हाँ जी बिल्कुल, आप इसकी देखिए इसकी अगर हो गए तो क्या ठंडा कर देंगे अभी हम। मुनीरा, हाल से इसको टाइम है अभी। हाँ नॉट दैट थिक। हाँ जी, इसको बनाएं
अच्छा अमना, असल में जब हम जाते हैं तवा चिकन को खाने हो या हमने तवा कीमा खाना हो तो बेसिकली उसकी जो हम उसकी होती है ना उसको हाँ, थोड़ा सा वो साउंड थोड़ी सी कान में आपकी आती है ठीक है, तो लेकिन हम इसको थोड़ा मेरे साउंड से आता है। हमारे पाकिस्तानी ढोल बाजों के बड़े शौकीन हैं कि जब कोई भी शादी ऐसी नहीं होती जहाँ पे बैंड बाजा ना हो तो फिर मेरे ख्याल से वो बारात ही कम्प्लीट नहीं होती। ऐसे ही हल्ला गुल्ला तो हमारे पाकिस्तानियों का एक बहुत वो पाकिस्तानियों का मैं मेरा ख्याल है कि ये जो हल्ला गुल्ला हो गया ये शादियों में ये तो एक बहुत ट्रेंड सा हो चुका है। हाँ। और बड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ। आपका कोई भी फंक्शन हो कोई इवेंट हाँ। हो वो जब तक कोई रौनक ना लगे। अच्छा आप जब भी तवा चिकन बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने इसको ढांपना नहीं है, मतलब ये नहीं करना कि आप इसको ढक के रख दें कि जो हो जाएगा, इसको बिल्कुल पकने देना है। और ये देखें थोड़ा सा ये जबरदस्त तो भी हम इसका कलर देंगे और ऑलमोस्ट ऐसा होगा जैसे हाफ डन नहीं जिसको बोलते हैं हम ना कि हाफ डन सा इसका होगा ठीक है ना। ओके हम इसको थोड़ा सा इसका चलो जबरदस्त ये देखें। और वो जो मुनीरा इसके फ्राई होने की वो एक महक है ना। हाँ। वो एक उसका जो आवाज़ है वेरी वो एक लहदा से ही होती है। ये देखें इसी में पानी में उसमें थोड़ा सा ओके आपने इसमें पानी डाल है। थोड़ा सा ये ताकि इसमें जो भी इसके स्पाइसेस है ना सारे वो सारे अच्छी तरह उसमें वो आ जाए। मुनीरा इसको मेरे ख्याल से ये आप एक दफ़ा देख लें। जी बिल्कुल ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा साथ साथ करेंगे। ओ ज़बरदस्त मुनीरा इसको बंद भी पड़ी है मेरे पास थोड़ी सी हो गई तो आना बंद कर दें। नाउ इट्स अ वेरी थिक फॉर्म। अच्छा जी हमने उसके ऊपर जिंजर वगैरह हाँ जी राइट ये देखें इसी से तो आमना इसकी इसकी खुशबू बनेगी। सो अमेजिंग मुनीरा वो प्रॉपर वो जिस तरह हमारे बारबेक्यू से खुशबू आ रही होती है बिल्कुल ये देखें ज़रा बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हाँ। आप इसको बनाएं और इसका बस ये ख्याल करना है कि इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए और इसको आराम से बनाएं तवे में बनाएं तवा नहीं है अगर आपको तो आप इसमें कोई सीधा सा प्लेटर ले लें जिस पे आप रोटियां पकाते हैं हॉट प्लेट ले लें ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जितने भी उस टाइम आ सकते हैं एक या दो पीस पर पीस के हिसाब से हाँ। लगाइएगा ठीक है। भैया मेरे ख्याल से आपने वाइल मेकिंग इट इतनी ज़बरदस्त की प्रेजेंटेशन कर दी है तो आई कांट वेट फॉर यू टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली ना। तो मुनीरा की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत अमेजिंग है। तो अभी बनाते हुए उन्होंने इतना ज़बरदस्त इसको पूरा सजा के उसके पूरे वो कर दिया है तो अब आई कांट वेट। देखिए जो टोमेटोज थोड़े से मैंने काटे थे इसके अंदर उसके साथ बड़ी हाँ। एक बन रही है खुशबू से खुशबू भी आ रही है उसकी थोड़ी सी ग्रेवी सी भी बन रही है। ग्रेवी से ही देखिए जो बेसिकली हमने चिकन को हमने हार्ड करना है ना थोड़ा सा ओके ताकि ये इस पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा बारबेक्यू फ्राइड फॉर्म उसकी यम्मी हाँ जी देखिए ज़रा अब ये बनता जाएगा इसमें हम इसको पकाते हैं। मुनीरा ये हमारे बहुत स्पाइसी सी एक रेसिपी होने वाली थोड़ी है थोड़ी सी हम इसमें चिलीज ऐड करेंगे चिलीज भी ऐड करें और स्पाइसी जाके इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आएगा ना आप बेशक उसमें थोड़ी कम डाल दें कोई मसला नहीं यम्मी ठीक है ये देखिए ज़बरदस्त मुनीरा अच्छा जिंजर भी डाल रहे हैं हम इसके ऊपर देखिए चिली आप भी डाल सकते हैं प्याज वगैरह जो शौकीन है या कुछ इस तरह प्याज आप ना साइड पे रख लेना प्याज तो आप ऑलरेडी आप देखिए ना कि इसके अंदर अगर आप डालना चाहते हैं प्याज की भी फिलिंग तो आप इसको ब्लेंड करके उसको पेस्ट बना लो पेस्ट बना के वो डाल दें जी बिल्कुल ये देखें ज़बरदस्त ये देख रहे हैं आप लोग 92 न्यूज़ की तरफ से इतना ज़बरदस्त ये एक इनिशिएटिव है कि लाइव आपकी कुकिंग हो रही है एंड आई एम श्योर मुनीरा जितने देखने वाले हैं ना उन सबको इस टाइम वो फीलिंग आ रही होगी कि वो किसी ढाबे पे या किसी बारबेक्यू के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त कमाल कर दिया मुनीरा ने मैं कहती हूँ बस आप ना आप साथ हैं ना एक्टिव तो फिर ऐसे कमाल करने का मज़ा भी आता है। एग्जैक्टली मुनीरा और मैं जब सेट पर आती हूँ ना तो मेरे टेस्ट बड्स जो है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। आई एम श्योर जितने लोग हमारे प्रोग्राम का रोज़ वेट कर रहे होते हैं ना ये देखिए आराम ना इसको कितना ज़बरदस्त लग रहा है ठीक है ज़बरदस्त। देखिए जब भी हम जाते हैं ना आज भी लाहौर के अंदरून साइड हाँ। पे तो ख़ास तौर पे कचाकट खाने जाते हैं या हम उसका कीमा खाने जाते हैं तो बेसिकली मैं हमेशा कहती हूँ कि साउंड उसकी फैसिनेट बहुत करती है साउंड बहुत बिल्कुल अक्सर तो मुनीरा मूड भी नहीं होता लेकिन आप सिर्फ इसकी खुशबू और इसकी आवाज़ से ही रुक जाते हैं बिल्कुल ये देखिए ना जैसे
बेसिकली आमना को बहुत साउंड पसंद है। मुझे बहुत, मुझे खाना खाना इतना पसंद। मेरे ख्याल से मुनीरा कौन ऐसा इंसान होगा इस दुनिया में जिसको खाना खाना नहीं पसंद? बिल्कुल, वो कहते मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा होगा जो कहे कि मुझे तो खाना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल आमना कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है ये तो। और माशाल्लाह कुदरत की तरफ से हमें इतनी इतनी चीज़ों से नवाजा गया है कि जितना हम शुक्र अदा करें और जितना इस्तेमाल करें। देखिए आमना ज़रा कितना ज़बरदस्त को कलर आ गया। ज़बरदस्त, ठीक है, वेरी गुड। उसके साथ साथ अभी हम देखेंगे अवन वाले को भी कलर आ चुका होगा, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको भी कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि वो कैसे होगा। हाँ। मुश्किल ना हो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, मुनीरा के जो तरीके होते हैं ना कि बहुत आपको प्रिसाइजली बताती हैं, प्रॉपर उसको एलिब्रेट हाँ। करती हैं। ये मैंने कहा थोड़ा सा पकता जाए, तब तक हम अपनी फिरनी को देख लें। मुनीरा देख लें हाँ बिल्कुल, इसको और ठीक करेंगे हम। नहीं, अब आप ना ये ठंडा होके ना तो ठीक खुद ही हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये तो बहुत मुनीरा इजी है बनाना, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से मुनीरा बनाना सिखाना इतना इजी कर दिया मुनीरा ने कि वो इजी लग रहा होता है, लेकिन जब आप खुद ट्राई कर रहे होते हैं ना, मैं पर्सनली जब भी कोई चीज़ ट्राई करती हूँ तो फिर मुझे वो मुश्किल लग रहा होता है। आमना चीज़ों को बनाने के लिए हाँ। थोड़ी सी उसकी तैयारी होती है, ठीक हाँ। है ना, तैयारी। अगर आप उसकी तैयारी प्रॉपर रखेंगे तो आपको इजी लगेगा, और अगर आप सोचेंगे कि इसकी तैयारी नहीं है प्रॉपर तो फिर डेफिनेटली आपको मुश्किल लगेगा। मुनीरा, मेरे ख्याल से आप जैसा एक्सपर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है कि एक दफ़ा से तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी चीज़ परफेक्ट बन जाती है, तो डिफरेंट चीज़ें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करें तो फिर ही आप जाके कहीं एक्सपर्ट बनते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैंने इसको एक्सपीरियंस के साथ। मुनीरा, इसकी खुशबू मुझे लग रहा है कि ये लग रहा है हमारा नहीं नहीं ये जब वो प्रॉपर फ्राई हो रहा है। ये देखिए अम्मा, इसको प्रॉपर हमने कलर दे दिया, ये देखिए तो पूरा ग्रिल्ड और बारबेक्यू स्टेक लुक आ रही है। अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ओके, ठीक है ना। इसको हम जब तक पका रहे हैं इसकी मैं साथ साथ गार्निश करती जाऊंगी, क्योंकि इस पर गार्निश साथ साथ चलती जाएगी। आप देखेंगे कि इसकी हाँ उसमें बहुत अच्छा जिंजर का जब फ्लेवर आएगा, जब उसको गर्मा गर्म रोटी के साथ तो खाते ही हैं। लेकिन मैं बेसिकली जो मुझे बहुत पसंद है ना, आप भी ट्राई कीजिएगा, आप उसको तड़के वाले चावलों के साथ खाएं। ओके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसका साथ पीस रखें, आप तड़के वाले सिंपल तड़के वाले चावल बनाएं और साथ इसका ऊपर एक पीस रखें तवा चिकन का, साथ सैलड रखें तो प्रॉपर आपका एक मील है बहुत ज़बरदस्त, और साथ ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क लें। क्या बात है, वही मैं कह रही हूँ मुनीरा जितना लगा सकती है ना तड़का वो खानों को लगा। बिल्कुल, ये देखिए ना ज़बरदस्त, ये देखिए कितना बहुत ज़बरदस्त। मैं तो इतना फैसिनेट हो गई हूँ और इतना मुझे टेम्पटेशन आ रही हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा मुनीरा फ्राई करते ही ना मुझे आप सिखा दें। मैं अभी देखें अम्मा ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से मुनीरा जो एंड पे भी जो आपने उसकी ग्रेवी वगैरह पेस्ट वगैरह डाली है ना, उसका भी वो अभी तक फ्राई हो रहा है। ये देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा टाइम भी लगता रहेगा, पानी साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैड करती जा रही हूँ ताकि चिकन ज़रा सा भी इसके अंदर ज़रा सी भी जो देखे। मैंने उसको सिर्फ कलर दिया था, ठीक है। आपने इसको अंदर से पकाना है और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। okay. ये नहीं कि आपने जस्ट ऐड किया और आपने बस उसको निकालें हाँ. इसको पकाएं फिर इसको खाने का बहुत अच्छी तरह से मज़ा आएगा, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से जिसके हाँ. अगर कोई आपका एक्सक्यूज़ हो कि आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो जो रोटियों वाले तवे होते हैं आप उस पर भी बना सकते हैं। बना, बस ये है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम कर लें। आप इसी रेसिपी को अगर आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी मतलब बोटी नहीं खानी है, लेकिन तवा चिकन की तो बोटी ऐसी ही हो तो राइस पड़ी हो तो अच्छी लगती है, तो आप इसको ये कर लें कि आप इसको बोनलेस की क्यूब्स करवा लें। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था कि आप बोनलेस कर सकते हैं, तो हम बोनलेस भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त मुनीरा, ये मेरे ख्याल से खाना बनाने का सिलसिला तो जारी है हमारा, तो यहाँ पे लेनी हमने एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना आपने, वेट करना जब तक ये रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। हमारे साथ रहने, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान।
बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और मेरी तरह आपसे भी वेट नहीं हो रहा होगा तवा चिकन की, वो जो मुनीरा ने प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन करनी है उसका। और मेरे ख्याल से मुनीरा ने एक तो हमारी डिश प्रेजेंट कर दी है और तो हमारी फिरनी जबरदस्त है, मैंने गार्निश इसकी करनी है थोड़ी सी। ओके अभी और मैं वही कह रही हूँ कि मुनीरा ने बस इतनी सी प्रेजेंटेशन कर दी अभी। नहीं नहीं अभी मैंने कहा थोड़ी सी पहले मैं फिरनी की कर लूँ गार्निश। फिरनी भी हम लोगों ने देखे प्रॉपर देसी स्टाइल में बिल्कुल सर्व कर दी है। देखिए आप जरा सा इसको अगर बना के रखेंगे ना तो एक तो ये पर पोर्शन बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा हमने ये भी होता है कि हम जब डोंगे भर भर के रखते हैं exactly. तो हमने उससे ये वेस्ट नहीं होता, वेस्ट बहुत ज्यादा होता है वो, उसको मिल जाता है अगर जिसने भी खाना है वो अपना ले और उसको मतलब और अगर किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो वो दो अपने बाउल्स ले ले। तो जबरदस्त मुनीरा इतनी जबरदस्त है, मेरा ख्याल से आपके घर में इस तरह की चीजें होना बहुत जरूरी है अगर मेहमान आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर देसी एक तरीके से आप सर्व करें। क्यों मुनीरा बिल्कुल इस तरह ही है और जब भी थोड़ा सा साइड्स पे लग जाए इसको टिश्यू से थोड़ा सा साथ साथ मुनीरा में हल्की जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं ये बहुत एक ट्रेडिशनल लुक मुझे तो बहुत ही ज्यादा आना पसंद है मिट्टी के बर्तनों में। और इनमें मैंने सुना है कि जब खाना भी पकाया जाए बल्कि मैंने ट्राई भी किया मिट्टी के बर्तनों में जब खाना पकाया जाता है तो उसकी भी एक क्यों मुनीरा बहुत ज्यादा पकाया क्या जाए ना अगर मिट्टी के बर्तन में स्पेशली आप जैसे कि मैंने बताया तड़के वाले चावल और हलीम खाए तो बहुत ही ज्यादा उसका मजा आता है बहुत। ये तो है मुनीरा मिट्टी के बर्तनों में एक वो भी हमारा मशहूर है कि देखिए जैसे अब साग हो गया, साग जो है वो मिट्टी की हांडी में जब तक पकता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है ठीक है ना। और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त। कोयलों वाली कोई हांडी होती है उस पर भी मैं कहती हूँ मिट्टी के तेल, मिट्टी के जो बर्तन है उसका मिट्टी का तेल भी मुनीरा जो है बड़ा डेंजरस होता है। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन और तेल को मिक्स कर रही हूँ मिट्टी के बर्तनों में। ये देखिए स्लिप ऑफ टंग आपकी वजह से हो जाती है, जो मसाले और जो खुशबुएं मेरे इर्द गिर्द होती हैं। देखिए आप ना मेरी बात सुने, मिट्टी के हांडी में साग बने, मिट्टी की हांडी में कोई दाल बने या गोश्त बने, जैसे कि कुन्ना, एक उसके कुन्ने की स्पेशलिटी है कि आप उसको मिट्टी की ही हांडी में बनाते हैं और उसको पूरा दम देके उसमें पकता रहता है वो, तो उसमें जब पक के जो उसका फ्लेवर होता है उसको कुन्ने का वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप उसकी बात कर रही हैं करेंगे ना मुनीरा भी आप हमें ट्राई भी। और मेरे ख्याल से वो जो हमारे पाकिस्तान में ना सज्जी जब वो सर्व करते तो वो भी मिट्टी के बर्तनों में राइस के साथ उन्होंने सब्जी मिट्टी के अंदर पकती है उसको पूरा उसका उसका जैसे हमारा तंदूर होता है ना मिट्टी का तो वैसा बना होता है। आज भी जब आप कभी जाए मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है कि मिट्टी के बने बने आप तो हमें तंदूर आम से मिल जाते हैं, आप उसके अंदर अपने कोई सी भी आपने बारबेक्यू बनाना हो आप उसकी सीखें आराम से मिल जाती हैं, आप उसके अंदर रख दें उसको तो वो उसमें ग्रिल्ड होता रहेगा। तो आई थिंक हम भी प्रोड्यूसर से कहेंगे कि उसका भी अरेंज कर लें फिर हम वो भी बना लेंगे। ये डिफरेंट चीज़ें तो हम मेरे ख्याल से मुनीरा इधर भी इतनी ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, हर रोज़ हमारी एक बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी होती है। और मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं लगता है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं प्रोग्राम देखने में, तो आप हमारे साथ शेयर करें अपने कुकिंग एक्सपीरियंस या बखूब गपशप लगाएं, कॉल करें। ये मैंने थोड़ा सा इसकी गार्निश कर दी। अच्छा ये बनता रहेगा जो गार्निशिंग पे आप वो कहते हैं ना जबरदस्त। मैं तो फैन हूँ मुनीरा की से और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर ये आर्ट किसी को आ जाए प्रेजेंटेशन का तो क्या ही बात, आधे नंबर तो मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन के पूरे में से कहते हैं ना पूरे 60% प्रेजेंटेशन के ही हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह ही प्रेजेंटेशन तो आना बहुत, आपको पता है कि आप जब पेपर्स भी करते हैं ना तो अगर आप उसमें अच्छी हेडिंग्स ना देना तो उसके भी नंबर नहीं मिलते। ये देखें ना मुनीरा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि हम खुद भी घर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ लोगों का तरीका जो है वो बहुत ज़बरदस्त है या फ़लाँ रेस्टोरेंट में जब आप डाइन इन करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं लाइफ में। ये देखिए हमने जबरदस्त आपने इसको अच्छी तरीके से सर्व कर दिया, ब्यूटीफुल मुनीरा। ये देखिए ठीक है, यू मेड इट लाइक अ फ्लावर। जबरदस्त ठीक है, अभी हम इसको ये हमने इसकी गार्निश भी कर दी है। अब हमने इसकी भी जो मेरा ख्याल से हम लोगों ने इसको टोस्ट करना है। हाँ जी जी, ये चांदी के वर्क लगाने का बहुत एक आर्ट होता है। ये हाथ से फिसल भी जाता है और मोस्टली इस तरह से भी लगता है। रवायती आज जबरदस्त किस्म का मुनीरा ने ना ये देखिए ना ये है, देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से ओके आपने इसको खोलना जबरदस्त। ये तो बहुत फैसिनेटिंग और पेशन वाली मुनीरा की क्या बात है, मैं कहती हूँ इतना कुछ सीखने को मिलता है ना सिर्फ मुझे और हमें जितना फीडबैक आ रहा होता है मुनीरा। बिल्कुल ये देखिए हम ना इसको बस आपने जस्ट लगाना ही है ठीक है ना, इसको
सेंटर वाले को लगाती हूँ क्योंकि आप इसको पकड़ तो सकते नहीं है, चांदी के वर्क बिल्कुल हाथ से आपके ये स्लिप हो जाते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो आपके खानों को इतना दिलचस्प और लजीज किस्म का कर देती हैं, यही तो हमारे पकवान की पाकिस्तानियों की जबरदस्त बात है कि वो जो खानों के ऊपर बाकी कभी साथ साथ लगाती हूँ मैं। ठीक हो गया, हर चीज को इस्तेमाल हम कर लेते हैं स्मार्ट। देखिए टमाटोज हैं, मैं इनका इसको थोड़ा सा मेल्ट कर दें क्योंकि टमाटर के पानी से बड़ा अनश्योरी नीचे से बहुत ज्यादा ग्रिल्ड और वो पका हो, बल्कि ग्रिल से याद है मैं देखती हूँ हमारा वो भी आप देख वन वाला भी हो चुका होगा। ठीक है, मेरा ख्याल से मुनीर है यहाँ पे हम फिन्नी की रेसिपी उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ अज्जा मिस कर दिया है या कोई पॉइंट मिस कर दिया है, तो अब आप ध्यान से उसको नोट कर लें। हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पे चला रहे हैं रेसिपी कार्ड। कि जिन लोगों का कुछ मिस हो गया था उन्होंने तो फटाफट नोट कर लिया होगा, और इस मोमेंट का भी लोग बहुत वेट कर रहे होते हैं क्योंकि बातों में कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है, तो वो भी हम आपकी कन्वीनियंस के लिए रेसिपी कार्ड जो है अपने व्यूअर्स के लिए ताकि वो कुछ नोट डाउन कर लें। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सुबह सॉरी सुबह कह रही हूँ थोड़ी देर पहले ही ये मसाले वगैरह सारे लगाए, सुबह ही हो गई ना। तो देखें इसको मैंने ग्रिल कर लिया है, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। आप इसको ग्रिल करके एक दिन में रख लें, लेकिन अभी पूरी तरह ये पक्का नहीं है। okay. अभी ये अंदर से थोड़ा सा हाफ टर्न है, ठीक है। बाकी का इसको जो हमने फुल डन करेंगे वो हम इस पर बना के करेंगे। अब इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ी सी आप स्पाइसी और ऐड करके आप फ्राई कर लें जैसे कि मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपका जैसे कि तवा चिकन हम बना रहे हैं सेम वैसा ही इसका ये तवा चिकन। मैं कहती हूँ क्या बात है मुनीरा, इसकी जो खुशबू और वो उसकी टेम्पटेशन है देखिए, I can't tell you guys। आप देखें कि इसके अंदर सारे तकरीबन कलर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्के हल्के हम सारे कलर डालेंगे। ग्रीनिश, रेडिश, ऑरेंज, तमाम सारे मसाला जात जो है ना वो प्रॉपर फील हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ मुनीरा, आपने हमें चटनी का बता रही थी। हाँ जी, चटनी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने मिंट लेना है, आपने धनिया लेना है, आपके पास जितनी भी चीजें पड़ी हुई है मिंट धनिया इसको, हाँ जी, आपने इसको फाइन चॉप कर लेंगे, साथ में इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और साथ में जो मैंने बताया था कि लहसुन का जवा इसमें ऐड करूंगी और उसको फिर ब्लेंड करके दही में मिक्स करेंगे, तो इसके साथ बहुत अच्छे ये कहते हैं वो एक हाजमेदार किस्म की चटनी वो तैयार हो जाएगी। हमारे यहाँ यहाँ पे कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ जाते ही उनके सैलड और उनकी चटनियों और उनकी उसके लिए, तो ये भी एक बड़े मजे की चीज़ होती है कि आपके कहते हैं ना वो हम पाकिस्तानी के समोसे जब तक फलां चटनी के साथ ना खाएं तो ये चटनियों का भी एक अपना ही मजा है और उसके बगैर ना खाना फीका सा होता है। बिल्कुल, तो तवा चिकन के साथ आपने जो चटनी का बताया है जबरदस्त, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये देखिए मैंने जो उसको पहले दो उतारे थे और मेरे ख्याल से आज जो लोग इसको ट्राई कर रहे हैं ना इसके इतने मजे की रेसिपी के बाद फिरनी और फिर फिरनी क्या बात है। देखिये ना प्रॉपर आज हमने मुनीरा यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है रजा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपने तो मैं जी बार्सिलोना से बोल रहा हूँ, मैं बार्सिलोना स्पेन से, और आपने तो जो है यहाँ जंगल में मंगल किया हुआ है और हमें तो बड़े मजे मजे के खाने आप जो हैं वो बनाना सिखा रहे हैं, और मैं तो वैसे भी आजकल छुट्टियों पे हूँ तो तकरीबन 15 दिन की, तो मैं ये जो आपका चैनल है ये आपने कमाल कर दिया, यानी हम बाहर रहने वाले लोगों के लिए जो है ये चीज़ों की कमी थी उसको आप यहाँ बैठे पूरा कर देते हैं, तो जितना भी आपकी इस काम को कदर की निगाह से देखें वो बहुत कम है, तो आप हमारे अब हमें महसूस ही नहीं होता हम पाकिस्तान में हैं या हम कहीं बाहर प्रदेश में बैठे हुए हैं। चैनल भी आपने हमें पहुंचा दिया, ये 92 मेरा फेवरेट चैनल था, मैं पाकिस्तान भी जब जाता था इसी पे खबरें सुनता था, और दूसरा ये है कि इस पे ये प्रोग्राम बड़े मजे के आ रहे हैं। आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हमें अपने वतन की बड़ी याद आती है, और हमारी मजबूरी है कि हम लोग यहाँ पे हैं, रह रहे हैं जी, थैंक यू।
प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच रजा साहब, ये आपका प्यार है और प्रोग्राम का वक्त भी कम होता है, तो वरना हम तो आप लोगों के साथ गपशप लगाते ही रहे। और मुझे उम्मीद है कि आज आप भी पाकिस्तान की याद में तवा चिकन ट्राई करने वाले होंगे, क्यों मुनीरा? बिल्कुल, लोग सारे जो है ना साथ साथ ट्राई कर रहे होते हैं, साथ साथ फिर ये होता है कि बातें भी जो है चले। देखिए हम ना इसको हम अब निकालेंगे, साथ इसके बाद फिर मैं सैलेड की तरफ जाऊंगी, ठीक है? इसके बाद हम जाएंगे। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि इसको जरा एक दफा कर लूं। तो ये इसी मील की मुनीरा एक और प्रेजेंटेशन करनी है। आपने अगर देखिए बहुत ही ज्यादा, अगर आप फैमिली को फंक्शन आ रहा है आपके, ठीक है ना, कोई गेट टुगेदर आ रही है, कोई बर्थडे आ रही है, तो आप इसमें उसमें इसको बनाएं, बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत यूनिक। के अलावा आप ना देखिए कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है एंड वेरी जूसी, वो देखने से पता लग रहा है उसमें इतने मजे मजे के मसाला राज जो हमारे ऐड हुए हैं। ये देखिए इसके अंदर जो हमारी चीजें आ रही हैं, हम उसी को इससे प्रेजेंट कर देंगे, लग देंगे, ठीक हो गया ना? जबरदस्त। देखिए जरा थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना। नाउ आई डोंट थिंक सो मुनीरा कि किसी को प्रॉपर कहीं जाने की जरूरत है, जब वो पाकिस्तान के पकवान देख रहे हैं तो इधर से ही सीख रहे हैं, और अब तो हम लोगों ने बहुत आसान कर दिया है। अच्छा हमने मुनीरा इसके ऊपर उसकी वो नहीं की, मुनीरा हमने इसके ऊपर दही की टॉपिंग की थी? जी बिल्कुल, हमने इसके ऊपर दही की भी टॉपिंग किया ना, अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे, ठीक है ना? ऑलराइट, गार्निश करेंगे इसकी थोड़ी सी, गार्निश का फूल बनाएंगे हम, फूल बनाने लगे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी एक आर्ट है। और मेरे ख्याल से मुनीरा अगर टमाटर की जगह कुछ और हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मूली है जैसे कोकम्बर और मूली, तो यहाँ पे ये बातों का सिलसिला भी चल रहा है, खाना भी हमारा मज़े का बन रहा है। आपने लेनी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। पाकिस्तान के पकवान, और हमेशा की तरह रोज़ हमारी फिर से इतने मज़े की डिशेज़ हमारे सामने रेडी पड़ी हैं टेबल पे। और मैं भी मुनीरा से बात कर रही थी कि हमारा चिकन और फ्राई चिकन या बारबेक्यू ऐसा जो नान के बगैर नामुमकिन हो, तो हम लोगों ने नान भी यहाँ पे हमारे सामने टेबल पे रखा है, और इसकी चटनी मेरे ख्याल से हमारी प्रॉपर टेबल बन गई है। मीठा भी है, खाना भी है, साथ सैलड भी हो गया और चटनी भी होगी, तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया मुनीरा आज। और यहाँ पे मुनीरा आप बातें तो हम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से रेसिपी कार्ड उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई इंग्रेडिएंट मिस कर दिया है हमेशा की तरह, तो अब वो आप ध्यान से नोट कर लें। हम रेसिपी कार्ड चला रहे हैं यहाँ पे तवा चिकन का। मेरे ख्याल से इन लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, तो वही मैं और मुनीरा बात करें कि कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनके पास इस टाइम ऐसा होता है कि आज उन्होंने मेन्यू कुछ और सोचा हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त सीन हो जाता है कि हम यहाँ पे कुछ और ट्राई कर लेते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो लंच में तो जो आपने बनाया वो कर लें और डिनर में वो ट्राई कर लें, जो अक्सर ऐसा होता है कोई लोग नहीं हमें फॉलो कर सकते, कुछ लोग बैठ के बस एंजॉय करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और फिर वो बाद में अगले दिन के लिए रेसिपी जो है वो पेंडिंग कर देते हैं। बल्कि एक और चीज़ आपने यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने तवा चिकन अभी बनाना सिखाया, अगर आप चाहें तो आप इसको इसकी जो पीसेस करके बिल्कुल श्रेडेड पीस करके आप इसको अपने अलहदा से बॉक्स में रख लें, ठीक है? आपने जब भी आप जैसे कि डेली बेसिस पे जो लोग राइड कर रहे हैं तो वो ढेर सारा अपना सलाद वगैरह काट लें, काटने के बाद उसमें थोड़े से बॉयल्ड चिक पीस अपने ऐड करें और साथ थोड़ा सा जो आपने चिकन ने बनाया है वो उसके साथ उसमें ऐड करके पूरा अपना एक बॉक्स बना के अपने साथ रखें, तो ये आपकी एक डाइट में भी बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे कि हमेशा हमें कॉल्स आती हैं कि आप हमें थोड़ा सा डाइट प्लान भी बताएँ, तो उसको हम अलग तरीके से अगर आप जैसे खाना चाहें आप वैसे भी कर सकते हैं।
और सेकेंडली जैसे कि मैंने भी बताया कि जो लोग नान नहीं खाना पसंद करते हैं या उनको होता है कि हमें इसको शाम की डिश में पेश करना है, या जैसे कि मैंने बताया बर्थडे पार्टीज में भी इसको अपने रख सकते हैं, कोई घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको प्रॉपरली बना सकते हैं, तो आप ये ऐसे ही इसको बनाएं और सिंपल बिल्कुल तड़के वाले चावल बना के इसके ऊपर इसकी गार्निश करें, तो आपका प्रॉपर जिसको कहते हैं ना एक हमारी रेसिपी है चूल्हू पुलाव की, तो उसकी थोड़ा सा तरीके का डिफरेंट है, मैं वो भी बनाना सिखाऊंगी, साथ उसकी आप उस पर गार्निश करें तो ये बिल्कुल आपका वैसा ही प्लेटर बन जाएगा। ये तो ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान के पकवान की कि यहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि समझ ही नहीं आती क्या नोट करें और क्या नहीं। इसी तरह बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा और हम नई नई डिशेज भी ट्राई करते रहेंगे। अल्लाह करें हमारा दस्तरखान और आपका हमेशा भरा रहे। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे लेते हैं इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।